हरियाणा की एक बड़ी खबर के साथ। जननायक जनता पार्टी को आज फरीदाबाद में एक बड़ा झटका लगने वाला है। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व फरीदाबाद जिला अध्यक्ष ठाकुर राजाराम कांग्रेस में शामिल होंगे। आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में राजाराम कांग्रेस का दामन थामेंगे। राजाराम के साथ कई और जेजेपी के कार्यकर्ता भी दिल्ली में कांग्रेस का दामन थामेंगे। अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो ये जेजेपी को एक बड़ा झटका है। कांग्रेस की ताकत में इजाफा है और हरियाणा की राजनीति में एक नया फेरबदल, एक नया उलटफेर है। आप देखिए, ठाकुर राजाराम आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जननायक जनता पार्टी में कोई छोटा मोटा उनका रोल नहीं है। आप समझिए कि राष्ट्रीय सचिव स्तर के एक पद पर बैठा व्यक्ति जब जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होता है तो इसके क्या मायने होते हैं, इसका मतलब क्या निकलता है। पूर्व फरीदाबाद जिला अध्यक्ष रह चुके हैं ठाकुर राजाराम, और मेरे सहयोगी और हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, यानी कि जेजेपी के वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव ठाकुर राजाराम, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेरे सहयोगी विनोद से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आपके साथ कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाए। विनोद, ओवर टू यू। बिल्कुल हार्दिक, बड़ी खबर है, बड़ी खबर दर्शकों के सामने है, और कहीं ना कहीं जो नेता, जो लीडर शामिल हो रहे हैं ठाकुर राजाराम साहब, मैं आपसे ही बात करना चाहूंगा। राजाराम जी, क्या वजह है, और इस खबर को पुख्ता तौर पर बातचीत करने के बाद ही हमने दर्शकों के सामने रखा, आप क्या कहना चाहेंगे, किस इस फैसले की वजह क्या है? इस बार नामा जी, हमने 35 साल पार्टी का बड़ी वफादारी से कार्य किया, और इतना वफादारी से कार्य करने के बाद हमारी अनदेखी हुई। अब हमारे सभी समर्थकों ने, साथियों ने ये फैसला लिया कि हम जो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। आपकी जो मौजूदा पोस्ट थी जननायक जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष के तौर पर फरीदाबाद आपको जाना जाता था, आप अपने ही मुंह से दर्शकों को बताएं कि क्या जिम्मेवारी जननायक जनता पार्टी में आपके पास थी, तो थोड़ा दर्शकों को भी समझ में आएगा कि राजनीतिक कद के तौर पर आप। नहीं, मेरे पास अब वर्तमान में राष्ट्र सचिव हूं मैं जेजेपी का, और मैं जो दो साल पहले पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा, पार्टी को मैंने ही खड़ा किया फरीदाबाद जिले में। जब नई पार्टी बनी थी 2018 में, तो मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया था, मैंने पूरे तन मन धन से पार्टी का कार्य किया। ये सब कुछ करने के बाद भी हमारी अनदेखी हुई, मेरी ही नहीं फरीदाबाद जिले के कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी हुई, और हम सब ने फैसला किया है। हमारे सैकड़ों समर्थक, सभी सरपंच साहब, सभी मौजूद लोग आज जो 12 बजे के करीब आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में पार्टी, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अनदेखी की वजह ये तो फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी भी कही देती है कि जब तक आपको पोस्ट और जब तक तमाम चीजें मिल रही थी आप पार्टी के साथ रहे। कोई भी किसी नेता के बारे में कह दिया जाता है, जब थोड़ी पूछ होनी कम हुई तो फिर आप छोड़ के चल दिए। नहीं नहीं, हमारे साथ तो गद्दारी हुई है। हमने तो जो है ना 35 साल पार्टी का काम किया तन मन धन से। हमने जो है स्कूल कॉलेज के टाइम से ही हम पार्टी के साथ थे, हमने नीतियों में विश्वास किया, भरोसा किया, और हमने तो जब पार्टी में वफादारों की पूछ ही नहीं है, जब पार्टी में वफादारों की पूछ ही नहीं है, तो फिर पार्टी में रहने का फायदा क्या। विनोद, एक सवाल मैं भी लेना चाहूंगा, आपके सामने विकल्प तो इनेलो का भी था, तो फिर कांग्रेस क्यों? नहीं, वो तो इनेलो तो दोनों सब जब एक ही पार्टी थी उस वक्त, तो फिर तो इनेलो जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। सर, तो आप तटस्थ होकर बताइए कि फिर हरियाणा में गठबंधन कैसा चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस में शामिल होंगे तो फिर कांग्रेस तो इसे ठगबंधन और लठबंधन कहती है, तो क्या आपके विचार बदलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो है हुड्डा साहब के नेतृत्व में जी पार्टी ज्वाइन करूंगा हमारे सभी साथियों के साथ, और हम पूरी निष्ठा भावना, जहाँ जहाँ ठाकुर राजाराम रहता है निष्ठा भावना के साथ रहता है। शामिल होने वाले कितने नेताओं की लिस्ट होगी, और किस किस तरह के कोई और भी पदाधिकारी शामिल हो रहा है क्या? हाँ, काफी कार्यकर्ता शामिल होंगे, सरपंच लोग शामिल होंगे, वो सब आप पदाधिकारी का मैं पूछ रहा हूँ, कोई पदाधिकारी भी क्या शामिल है इसमें जो आप लोग के साथ शामिल हो रहे हैं? हाँ जी है, वो आपके सामने सारी बात रूपरेखा तैयार हो जाएगी। एक चीज का सवाल, एक सिख हार देख रुकी जरा, एक बार एक चीज का जवाब और दे दीजिए कि
कांग्रेस में भी तो कई धड़े हैं। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का नाम ले रहे हैं, उनके मौजूदगी में शामिल होंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें तीन बड़े नेता चंडीगढ़ में मौजूद होते हैं, AICC में यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर कार्यालय जाकर तो आप शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज तो कहीं ना कहीं डर तो उस चीज में भी बना रहेगा कि अलग अलग गुट हैं जो कांग्रेस के। आप स्पेसिफिकली जी नहीं, ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी अपने उदयभान जी, उदयभान जी से मेरी सारी वार्तालाप हुई, हुड्डा साहब से, दीपेंद्र जी से, दीपेंद्र जी युवा नेता हैं और वो बहुत मान सम्मान देते हैं सभी को, उन सभी से बातचीत होने के बाद ये फैसला लिया गया सभी साथियों ने। किसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं, किसी टिकट के आश्वासन के साथ जा रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल एक कार्यकर्ता के तौर पर जा रहे हैं। शुक्रिया हार्दिक, आपका कोई और सवाल हो तो आप ले लीजिए। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था राजा राम जी आपसे कि एक विस्तार कर रहे बड़े संगठन के राष्ट्रीय सचिव के पद को छोड़कर आप एक ऐसे पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं जिसका सालों से कोई संगठन नहीं है, एक ऐसी पार्टी जिस पर गुटबाजी के आरोप लगते हैं जैसा कि अभी मेरे सहयोगी विनोद ने भी जिक्र किया, तो आप अपने इस कदम को कितना सेफ देखते हैं, कितना सुरक्षित देखते हैं? देखो, संगठन की बात तो आपकी जाएगी, मगर जो है जो जनता जनता की आवाज है, जनता आज जो है कांग्रेस की तरफ देख रही है। और मैं एक बार और बताऊं आपको बात, मैं समाज का, राजपूत समाज का हरियाणा का अध्यक्ष भी हूं जी, और हमारी अपनी एक समाज का हम जो 24 घंटे कार्य करते हैं और समाज के लिए मैं हमेशा 40 साल से मैं समाज को अपनी सेवा दे रहा हूँ, पार्टी के साथ साथ समाज के लिए भी जी। अच्छा, रामकरण काला का वो कुछ दिनों का इस्तीफा हम कह लें, या फिर हम जोगीराम सिहाग का जो बागी तेवर था उसकी बात कर लें, या हम अन्य विधायकों की बात कर लें, जैसे कि हम देखते हैं रामकुमार गौतम की नाराजगी भी देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ साथ क्या और भी लोग हैं जो JJP छोड़कर जा सकते हैं? व्यक्तिगत डिप्टी CM साहब से मेरे को नाराजगी है, उन्होंने वो कार्यकर्ता जो वफादार कार्यकर्ता की वो अहमियत नहीं समझते। आप सीधे शब्दों में बस इतना कहना चाहते हैं कि सम्मान नहीं मिला, अगर सम्मान मिला होता, वैल्यू की गई होती टैलेंट की, तो शायद आप आज अपना दल न बदलते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और विनोद मेरे साथ जुड़े हुए थे, हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर। विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।